नमस्कार दोस्तों, मैंने जो बाईसेल सिग्नल कम स्किनर बना रहा था तो मैं स्क्रीन करके बाईसेल सिग्नल कम स्किनर में जो बनाया था और उसको जो स्क्रीन करके दिखा रहा था, तो इसको मैंने पार्ट वन में दिखाया कि पूरा स्क्रीन करके और उस अभी ट्रेंड दिखा रहा हूँ। तो इधर ये दोनों ट्रेंड आपको दिखाया, आप लोगों को दिखाया प्रोबेबिलिटी वन और प्रोबेबिलिटी टू, और ये हाई लो फैक्टर का आप दोनों से ज़्यादा करेंगे तो ये आप लोग को आ गया आ जाएगा। तो इसको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में भी काम में लगा सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसी का हिसाब से काम में लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग जो कैश इसमें जो कैश लेवल दिखेगा उसमें काम में लगा सकता है। ये आप लोग को कैश लेवल दिखेगा नहीं, उसका हिसाब से आप लोग जो कैश लेवल है उसका हिसाब से आप लोग स्ट्राइक प्राइस, नियर स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का दो लेवल ऊपर नीचे का स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं, और उसी का हिसाब से आप लोग इसको ऑप्शन में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। ये ट्रेंड एकदम पक्का रहेगा। और मैं ये रिकमेंडेशन शीट भी बनाता हूँ, कुछ रिकमेंडेशन शीट, इसमें लेवल कुछ अलग ही रहता है, जो स्क्रीन में देखा था वो उसके अलग रहता है, और माई फेवरेट्स भी देता हूँ इधर भी। ये जो पेड सर्विस है उसमें ही आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग को चेक कर सकते हैं जो काल के लिए, जो मैंने आज के काल जो लोड किया था मेरा वेबसाइट पे, वो आज आज के लिए जो रिकमेंडेशन था और माय फेवरेट्स था उसमें कितना मिला है, क्या लेवल था, दूसरा लेवल था उसका कितना मिला है, आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट से बाईसेल सिग्नल कम स्किनर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कितना रिकमेंडेशन इक्विटी और माई फेवरेट्स में जाके। दूसरा लेवल आज जो दिखाया था मैंने, आज का था कोटक बैंक और रेमंड, तो उसका लेवल हिसाब से रेमंड तो मिल गया, लेवल अटेंड किया था, लेकिन कोटक बैंक का लेवल अटेंड किया नहीं है। लेकिन रिकमेंडेशन इक्विटी में आप लोग जब देखेंगे काल का जो वेबसाइट में मेरा डिस्प्ले हुआ है तो देखेंगे उस उधर जरूर लेवल मिल गया, और उसके हिसाब से आप लोगों को काम से काम में कर करने का सुविधा होगा। तो ये मेरा पेड सर्विस पे है। ओके, धन्यवाद।